हेलो फ्रेंड्स, रेलवे की तरफ से 17 जुलाई को एक नोटिस जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि जिन्होंने भी एएलपी मतलब असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन पोस्ट के लिए अप्लाई किया था वो अपने फॉर्म का एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर लें, जिससे जिनके भी फॉर्म में फ़ोटो से रिलेटेड कोई भी मिस्टेक रह गई हो या फ़ोटो इनवैलिड हो वो अपना कंफर्म कर ले वहाँ से, और अगर उनके फ़ोटो में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसे चेंज कर ले। अब बात करते हैं हम नोटिफिकेशन की, तो आप किसी भी आरआरबी की वेबसाइट पर जा सकते हैं। जैसे ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इलाहाबाद की वेबसाइट है, यहाँ पे आप देखिए ये फर्स्ट पे ही आपका दिया है इम्पोर्टेंट नोटिस फॉर कैंडिडेट ऑफ CEN 2018 लेवल 1 पोस्ट। अब यहाँ से अगर हम आएँ तो नीचे देखिए इम्पोर्टेंट नोटिस करके दिया हुआ है कैंडिडेट्स के लिए। इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक ये पीडीएफ फाइल खुलती है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिन्होंने भी एएलपी और टेक्नीशियन के लिए अप्लाई किया था वो अपना मेल चेक कर लें, अगर उनके फोटो में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उन्हें इंडिविजुअली मेल किया गया होगा, और अगर मेल नहीं भी आया है तब भी वो एक बार अपने स्टेटस को एप्लीकेशन स्टेटस को चेक कर लें, जिससे अगर उनके फोटो में कोई भी प्रॉब्लम है तो वो नई फोटो अपलोड कर दें। और ये लास्ट चांस दिया गया है रेलवे की तरफ से, इस नोटिस में यही लिखा हुआ है आपका, मैं हिंदी में बता रहा हूँ, इसमें तो इंग्लिश में लिखा हुआ है कि ये लास्ट चांस है, आप 20 जुलाई तक अगर कोई भी करेक्शन है फोटो में तो उसे आप सही कर सकते हैं, इसके बाद रेलवे आपको कोई भी चांस नहीं देगा। तो आइए हम देखते हैं कि हमें कैसे चेक करना है एप्लीकेशन स्टेटस को। तो अगर हम यही साइट पे जाएं तो नीचे देखिए लिखा हुआ है क्लिक हियर टू लॉग इन एंड अपलोड प्रॉपर फोटोग्राफ, इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास ये एप्लीकेशन स्टेटस के लिए एक पेज खुल जाएगा। यहाँ से आपको क्या करना है कि अपना स्टेट सेलेक्ट करना है जहाँ से आपने अप्लाई किया था। जैसे अगर आपने उत्तर प्रदेश से अप्लाई किया था तो आप उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करिए यहाँ पे। उसके बाद ये पेज खुल गया है। अब यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन आईडी मांग रहा है, रजिस्ट्रेशन आईडी या लॉग इन आईडी एक ही चीज़ है, यहाँ पे आप उसको डालिए, उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए, उसके बाद सिक्योरिटी कोड डालिए, उसके बाद आप लॉगिन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का पेज शो होगा। यहाँ पे अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म प्रोविजनली एक्सेप्ट हो गया है और उसमें फ़ोटो से रिलेटेड कोई भी एरर नहीं है, आपकी फ़ोटो एकदम सही है, तो आपको यहाँ पे शो होगा करंट स्टेटस ऑफ योर एप्लीकेशन इज प्रोविजनली एक्सेप्टेड की विजिटिंग ऑफिशियल वेबसाइट्स ऑफ आरआरबी फॉर फर्दर अपडेट्स, और यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन आईडी दिया होगा और आपका नेम दिया होगा, यहाँ से एप्लीकेशन को प्रिंट भी कर सकते हैं। और जिनके भी एप्लीकेशन में फ़ोटो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी उनको यहाँ पे फ़ोटो चेंज करने के लिए एडिट करने के लिए ऑप्शन देगा, वहाँ से वो अपनी दूसरी फ़ोटो जो कि नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हो, मतलब जैसा नोटिफिकेशन में दिया गया हो सेम उसी के जैसी हो, उसे आपको यहाँ पे अपलोड करना है, क्योंकि रेलवे ने नोटिफिकेशन में ये कहा है कि वो दूसरा मौका नहीं देगा, मतलब ये आपके पास लास्ट चांस है, इस बार जो आपने फ़ोटो अपलोड कर दी वो फाइनल फ़ोटो मानी जाएगी, तो इसलिए आप फ़ोटो को नोटिफिकेशन एक बार पढ़ के फिर अपलोड करें। और एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने की जो लिंक है वो डायरेक्ट लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अभी डाल दे रहा हूँ, आप वहाँ से जा कर के डायरेक्टली अपने एप्लीकेशन स्टेटस को चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और इसी तरह की अपडेट्स के लिए और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अदर इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।